ख्वाहिशें क्यों रखनी छोटी जब फ्लैट से भी कम कीमत में मिल रहा है ये वाला घर। दोस्तों देख पा रहे हैं ये जो घर है जेडी अप्रूव कर रहने वाला है वो भी बहुत ही अच्छी प्राइस के साथ। प्राइस मैं आपको कहीं ना कहीं वीडियो में मेंशन करने वाली हूँ तो वीडियो को स्किप करने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। विला का टूर करने से पहले दे देती हूँ अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी निशा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप ही के अपने यूट्यूब चैनल एस पी होम्स में। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आज हम आए कहाँ हैं। कनकपुरा रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका ये प्यारा सा विला लोकेटेड है जिसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ सवा 16x40 की डायमेंशन के साथ 72 गज में आपका ये हाउस बना हुआ है। दोस्तों एलिवेशन जैसा कि आपने देखा था बहुत ही प्यारा एलिवेशन रहने वाला है। सिंप्लेक्स विला आपका ये बना हुआ है। इसी के साथ में यहाँ पर देख सकते हैं साइड में बहुत ही अच्छा आपको स्पेस मिल रहा है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ में ले सकते हैं। बड़ी मीडिया भी बहुत ही अच्छी स्पेस के साथ आपको यहाँ पर दोस्तों मिल जाता है। आगे आ जाइए और आगे चलते हैं और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आ जाता है आपका पार्किंग एरिया। इजीली यहाँ पर आप अपनी टू व्हीलर तो पार्क कर ही सकते हैं। साइड वॉल पर भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे हाइट तक टाइल्स का आपको वर्क मिल जाता है। इस तरह वाटर टैंक का प्रोविजन और मोटर के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस रखा गया है। स्टेयर्स दोस्तों आपको बाहर से मिल जाती हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस तरफ आप देख पा रहे हैं एक एंट्री यहाँ से भी रहने वाली है, यहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं अपने गेस्ट रूम में। अभी हम चल लेते हैं आपके लिविंग एरिया में। आ जाइए दोस्तों, यहाँ से अभी हम एंट्री कर चुके हैं आपके लिविंग एरिया में। आपका जो किचन है ओपन स्पेस रहने वाला है जैसा कि देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर आपका किचन दिया गया है, वर्किंग स्टेशन बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ मिल जाता है। यहाँ पर कैबिनेट्स भी दिए गए हैं एंड आपके फ्रीज के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस रखा गया है। आशा ये दोस्तों अपोजिट साइड बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे स्पेस रखा गया है। आप चाहे तो इसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ में ले सकते हैं। इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा आपका वर्किंग, यहाँ पर आ जाएगा आपका वॉश बेसिन एरिया एंड इसी के पास में आपको कॉमन वॉशरूम भी मिल जाता है। अभी आप देख पा रहे हैं इस हाउस को तो अभी फिनिशिंग का काम पेंडिंग है। आप आएंगे 2-3 दिन का वर्क और पेंडिंग है, आप आएंगे तब तक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि एक बार सीलिंग की तरफ भी देख लीजिए, अभी फॉल सीलिंग कंप्लीट होना बाकी है, आप आएंगे कंप्लीट हो जाएगी। आ जाइए फर्स्ट बेडरूम में आपको दिखा देती हूँ। दोस्तों ये रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम, स्पेस बहुत ही अच्छा आपको मिल रहा है। यहाँ पर वॉलपेपर लगना बाकी है एंड सीलिंग में भी पॉप लाइट लग चुकी है, वॉलपेपर लगना भी बाकी है। एंड इसी के जिस अपोजिट बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए वार्डरोब डिज़ाइन की गई है, आयरन की बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ वार्डरोब्स रहने वाली हैं। अपोजिट देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर बैकयार्ड रखा गया है, प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। इस हाउस में कितना अच्छा वेंटिलेशन है। इसी के जस्ट अपोजिट साइड गेस्ट रूम भी दिया गया है। आ जाइए, ये है दोस्तों गेस्ट रूम, स्पेस बहुत ही अच्छा आपको मिल रहा है। यहाँ से एक डायरेक्ट एंट्री मिल रही है, यानी कि एक सेपरेट रूम आपको मिल रहा है। जब आपके गेस्ट आएंगे बाहर से मेहमान आएंगे तो इजीली यहाँ पर वो स्टे कर सकते हैं, फैमिली डिस्टर्ब भी नहीं होगी। या फिर आप अपना कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करते हैं तो उसमें भी आपकी फैमिली और आपकी मीटिंग डिस्टर्बेंस नहीं होगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर विंडो दी गई है जो कि बाहर रोड की तरफ खुल रही है, यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। एंड इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर यहाँ पर आप गर्मियों में अपना कूलर लगाना चाहें तो वो भी इजीली लगा सकते हैं। यहाँ पर वॉलपेपर लगना अभी बाकी है, सीलिंग में देख लीजिए वुडन वर्क किया जाएगा, कॉप लाइट सभी लग चुकी है। तो ये था आपका प्यारा सा छोटा सा घर, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और वो भी जेडी अप्रूव्ड रहने वाला है। और सबसे अच्छी बात अगर मैं बताऊं दोस्तों तो कनकपुरा रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका ये विला लोकेटेड है, तो बहुत ही अच्छी वाली बात हो जाती है। जस्ट विला के सामने 40 फीट वाइड रोड मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी वाली बात है ये। अब आप वेट कर रहे हैं प्राइस की, तो अच्छा ये प्राइस जान लेते हैं। ओनली 40 लैक्स में आपका ये प्यारा सा घर आपको मिलने वाला है, जेडी अप्रूव्ड रहने वाला है। तो देर किस बात की है, नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, जल्दी से जाकर फ़ोन उठाकर निशा को कॉल लगाएं और आ जाइए साइट विजिट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।